आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने गुवाहाटी, बरपेटा, कोकराझाड़ और धुबरी के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर ही दी। इस घोषणा से कांग्रेस ने AIUDF के साथ मिलीभगत के भाजपा के आरोप को एक तरह से गलत साबित कर दिया है। हालांकि इन नामों से कांग्रेस के कुछ नेताओं का मुंह फूला हुआ है। कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान करने से AIUDF को करारा झटका लगा है। गुवाहाटी में पूर्व CM तरुण गोगोई की कृपा पात्र बोबिता शर्मा गुवाहाटी से चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ विधायक देवव्रत के अजीज अब्दुल खालिक बरपेटा से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने बरपेटा से अपने विधायक और CLP लीडर सेखिया के करीबी अब्दुल खालिक को मैदान में उतार कर AIUDF प्रत्याशी के सामने काफी बड़ी चुनौती पेश कर दी है। इस तरह से गुवाहाटी से कांग्रेस ने भाजपा की क्वीन ओझा के सामने प्रदेश में काफी लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रही बोबिता शर्मा को उतारा है। बताया जा रहा है कि बोबिता के लिए भाजपा के सत्ता गठबंधन की धमक को तोड़कर मतदाताओं के रुख को अपनी ओर मोड़ना काफी चुनौती भरा हो सकता है। गुवाहाटी और बरपेटा के साथ साथ कांग्रेस ने कोकराझाड़ में शब्द राबा को मैदान में उतारा है। हालांकि BPF की प्रमिला रानी ब्रह्मा से शब्द राबा की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस का अरसे से BTAD इलाके में मजबूत जनाधार देखने को नहीं मिली है, लेकिन सबसे रोचक मुकाबला धुबरी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां दो बार सांसद मौलाना अजमल अपना नामांकन कर चुके हैं। अजमल अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। कांग्रेस ने अजमल के सामने पूर्व विधायक अबू ताहिर बेपारी के रूप में कड़ी चुनौती पेश की है। इसी के साथ AIUDF को 3 संसदीय क्षेत्रों में जीत के लिए काफी झाड़ फूकना पड़ सकता है। अब तो चुनाव आने के बाद ही तय हो पाएगा कि किसके हाथ में सत्ता आएगी। ये तो 23 मई को ही पता चल पाएगा।